मैं गाड़ी ले गई थी लेह लद्दाख, वहाँ इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था हिमालयन का। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ है। मतलब पिछला वाला हिस्सा दिखाऊं आपको तो कुछ ये कंडीशन हुई है इस गाड़ी की। व्हील किधर है, चेचिस किधर है, फ्रेम किधर है, पूरी वाट लगा दी इस गाड़ी। ये पहाड़ी में, पहाड़ी से गिर गई थी, पता नहीं क्या हुआ, बट काफ़ी अच्छा एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का। बहुत ज़्यादा जो गाड़ी का ऑपरेटर है उसकी भी चोट काफ़ी लगी होगी जब ऐसी कंडीशन में। तो आप देख सकते हैं पीछे से सारी बैंड हो गई गाड़ी। ये इसका फ्रेम है देखो, तो आगे से देखो इस गाड़ी का, एक साइड का हैंडल बार तो पूरा ही टूट गया बिल्कुल ही। तो इस गाड़ी को हम पूरा डिसमेंटल करने वाले हैं। इस पार्ट में हम दिखाएंगे सिर्फ डिसमेंटलिंग, बाकी के अगले पार्ट में इसका असेंबलिंग दिखाएंगे कैसे क्या क्या असेंबल करते हैं। और गाड़ी BS6 मॉडल है ये हिमालय। तो पूरी गाड़ी डिसमेंटल करते हैं और पार्ट टू पार्ट डिसमेंटलिंग दिखाएंगे इसकी, क्योंकि अभी इतनी खुल गई है, बाकी फिर और खोल के दिखाएंगे। और इसका अगला हिस्सा तो बहुत ही मुश्किल हो गया, फोर्थ देख ही सकते हैं आप किस तरह हो गया बहुत ज़्यादा। Decide what color to wear or which burger to eat. What the f*** does it matter, man? Autonomy is an illusion. Autonomy is an illusion. तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी पूरी डिसमेंटल हो चुकी, पीछे का व्हील रह गया लगाम लेके लिए, तो वो हम इसमें कल निकालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आगे से पूरी डिसमेंटल हो गई, इंजन को बाहर निकाल दिया हमने। पूरी गाड़ी डिसमेंटल होने के बाद फिर आपको लास्ट में दिखाएंगे, और जब उसको असेंबल करेंगे तब आपको पार्ट टू पार्ट बताएंगे क्या चीज़ जो नॉर्मली है, मतलब ज़्यादा झाड़ वाली चीज़ है, वो कैसे फिट करते हैं, वो इस गाड़ी में हम आपको फिटिंग करने के टाइम पर बताएंगे। और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं फिटिंग के टाइम जो ज़रूरी ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन सा पहले क्या लगाना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।